तुर्की के दक्षिणी क्षेत्र में गुरुवार की रात में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भूकंप के झटकों से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई और 23 लोग घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप का केंद्र मालत्या प्रांत के येसी लूट शहर में था। आदियामान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बता दें कि दोनों प्रांत फरवरी में आए विनाशकारी भूकंप से प्रभावित हुए थे, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री फाहर्टिन कोका ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मालत्या और अदियामान में इमारतें गिरने से लोगों को चोटें आई हैं। भूकंप से बचने के लिए लोगों ने इमारतों से छलांग लगा दी, इससे भी कुछ लोग घायल हुए हैं। वहीं टीवी पर प्रसारित किए गए वीडियो में भूकंप के कारण इमारतें क्षतिग्रस्त देखी गई। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेस ने बताया कि जापान के होकाकाइडो में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है और ना ही सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं भारत के पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गुरुवार की रात में 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि रात ने 2:56 पर आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए। एनसीएस के मुताबिक भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई में था। बता दें कि 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए भूकंप ने भयंकर तबाही मचाई थी। भूकंप से इन दोनों देशों में 47,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भूकंपीय गतिविधियों को मापने वाली एजेंसियों के मुताबिक इलाके में 7,000 से भी ज्यादा ऑफ्टर शॉक्स महसूस किए गए थे। सोमवार तड़के भी यहां 6.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी और 300 लोग घायल हुए थे। 6 फरवरी को आए भूकंप से कमजोर हुई दर्जनों इमारतें हालिया झटकों में धराशाही हो गई। सोमवार को इंडोनेशिया में भी भयंकर भूकंप आया। यहां महज 1 घंटे के भीतर 5 भूकंप आए, हालांकि इनकी तीव्रता 3.1 से 4.5 तक रही। बताया जा रहा है कि इनमें से प्रमुख भूकंप की तीव्रता 5.5 रिक्टर स्केल पर थी, जिसका केंद्र जमीन से 12 किलोमीटर अंदर था। आपको बता दें 19 फरवरी को भी तुर्की में एक बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। मध्य तुर्की क्षेत्र में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया था। यूरोपीय भूमध्य सागरीय सीस्मोलॉजिकल सेंटर के अनुसार भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर था। तुर्की और सीरिया में बीते दिनों आए भूकंप के चलते लोगों की मौत का आंकड़ा 45,000 को पार कर गया था। जैसे जैसे बचाव अभियान काम कर रहा था, मरने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा था। तुर्की में करीब 2,64,000 अपार्टमेंट भूकंप से धराशाही हुए थे। इनमें रहने वाले लाखों लोगों में से तमाम लोग मारे गए हैं या घायल थे या फिर लापता हो गए थे। लाखों लोगों की जान बच गई थी, लेकिन उनका सब कुछ खत्म हो गया था और वे बेघर होकर भीषण ठंड में मामूली सुविधाओं के सहारे दिन काट रहे थे। तुर्की में भूकंप से इतनी तबाही मची थी कि यहां हताए प्रांत के अंताकिया शहर में कब्रिस्तानों में जगह की कमी पड़ गई थी। बताया त्रासदी में मारे गए लोगों के शवों को दफनाने के लिए तुर्की की सरकार ने दूर दराज के इलाकों में सामूहिक कब्र बनाई थी। अभी काफी शवों की पहचान नहीं हो पा रही थी, उनके डीएनए सैंपल रखे जा रहे थे, उसके बाद अन्य प्रक्रिया पूरी की गई थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।